नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कई प्रमुख बातों का लेकर के, जिसमें आप लोग पूछ रहे हैं सर जी कोई अपडेट हो तो बताइए, और क्या जो एग्ज़ाम डेटें अंदर से निकल करके आई हैं यानी फरवरी में और उधर अप्रैल की तरफ 4-5 और होंगे 11-12 अप्रैल में वो टीजीटी पीजीटी होनी है, और आपकी इधर 9-10 फरवरी में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर होनी है। क्या इन परीक्षाओं में कोई परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, चलिए आज इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में, क्योंकि बीच में अभी कोई न्यूज़ नहीं थी साथियों, आप लोग पूछ रहे थे कि कोई अपडेट दीजिए, क्योंकि अपडेट कोई था नहीं, इसलिए खाली मैंने कोई वीडियो नहीं लाया। अब थोड़ी कुछ अपडेटें मुझे मिली हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसके साथ साथ में हम इसमें बात करेंगे GDG गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, LT ग्रेड की, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी, क्योंकि आप काफी छात्र नए आयोग पर धरना प्रदर्शन भी इस बारे में कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आपने सुना होगा, नहीं होगा तो हम अभी आपको बता देंगे इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, अर्थात इसमें LT ग्रेड, GDC, TGD PGD हायर की एग्जाम की कंफर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे तो इसी के फेसबुक पेज पर भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्या डेटों में परिवर्तन है, और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन TGT PGD का कब तक आने वाला है। देखिए साथियों, अभी ना तो कोई न्यूज निकल करके आ रही है अंदर से कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं कि जैसे अंदर से बातें आई हैं कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 9-10 फरवरी में कराई जाएगी, और आगे आपकी फिर TGT PGD 4-5, TGT जो है 4-5 अप्रैल में है, और फिर आपकी 11-12 में PGT कराई जाएगी अप्रैल में। तो ये परीक्षाएं आप मान के चलिए, और हो सकता है आपने जैसे कहा कि कोई परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन की संभावना थोड़ी कम लगती है, लेकिन अगर होगा तो थोड़ा ऐसी वैसी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षाएं की तिथियां यही हैं, इसी हिसाब से आप तय करिए। नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन हो सकता है कि कुछ दिन बाद, 10-12 दिन बाद जो है आयोग अनाउंस कर दे, और ये जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें परीक्षा सेंटर इनको कन्फर्मेशन हो जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन ये क्लियर कर पाएंगे कि कैसा क्या, अगर कैसी परीक्षा केंद्र बन पाते हैं उसी हिसाब से स्पष्ट हो जाएगा आपका। थोड़ा डिले अगर हो रहा है तो परीक्षा केंद्रों की सूची न मिलने के कारण ये डिले हो रहा है नोटिफिकेशन। जैसे ही इनको केंद्र स्पष्ट हो जाएंगे, ये नोटिफिकेशन अनाउंस कर देंगी कि किस किस डेट में किन किन विषयों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर या TGT जो अभी तक मामला है उसे आप वैसे ही जान के चलिए। अब बात करते हैं कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और GDC की नई वैकेंसी के बारे में, फिर प्राइमरी शिक्षक की भर्ती। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए काफी समय से भी प्रयासरत हैं आप लोग, और वैसे ही LT ग्रेड की वैकेंसी के लिए भी प्रयासरत हैं। तो आज कुछ न्यूज सामने निकल करके आई है, लिखा है 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजों में होगी भर्ती। क्या है, उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों में भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है, यानी उन्होंने अध्याचन भेज दिया है ऑनलाइन। इन पदों में भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन को मंजूरी मिल चुकी है। देखते हैं, परीक्षा का ही मामला था कि स्क्रीनिंग परीक्षा के बजाय इंटरव्यू दोनों के आधार पर हो, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव जो भेजा है स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर ही भेजा है। अब कैसा है, नियमावली जब सामने आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों की भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2022 में 384 पदों का अध्याचन ऑफलाइन भेजा था, बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था। इसके बाद फिर से रिक्त पदों का समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो ये भेजा, सबसे ज़्यादा वाणिज्य वर्ग के 65 पद हैं। इसके आधार में उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी में 47 हैं, सामाजिक शास्त्र में 43 हैं, रसायन विज्ञान और हिंदी में 41-41 हैं, अर्थशास्त्र में 37 हैं, वनस्पति विज्ञान जदवी और नृवृत्त विज्ञान में 33-33 के हैं, राजनीति विज्ञान में 29 हैं, इतिहास में 23 हैं, भूगोल में 22 हैं, गृह विज्ञान में 20 हैं, मनोविज्ञान में और संस्कृत में 17-17 हैं, भौतिक विज्ञान के 14 पद खाली हैं। तो इस प्रकार इतने इस हिसाब से पद खाली हैं आपके, यानी हमारे विषय केमिस्ट्री में जो पद खाली हैं वो 41 पद खाली हैं, रिक्त पद हैं।
तो इस तरीके से ही आप सोच सकते हैं, हो सकता है कि आपकी ये विज्ञापन थोड़ा अभी नियमावली के आधार पर मंजूरी मिलने के पश्चात थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी ये 1-2 महीने में आ जाए। बात करते हैं एलटी ग्रेड की, काफ़ी समय से आप लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हो, लेकिन थोड़े दिन पहले भी आपने सुना था कि अभय द्विवेदी जो अपर शिक्षा निदेशक, उन्होंने कहा था कि मैंने अध्यक्ष भेज दिया है आयोग को और नियमावली संबंधित कुछ मामला है वो ही मंजूरी मिलने के पश्चात ये विज्ञापन जहाँ तक है एलटी ग्रेड का लोक सेवा आयोग निकालेगा। तो हो सकता है कि इसको भी आने में, अभी तो रिसेंट में इस महीने तो नहीं आने जा रहा है, लेकिन आपको नए साल में ये जीडीसी और एलटी ग्रेड दोनों विज्ञापन आपको मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला वही 68,500 वाली शिक्षक भर्ती है जिसको अभी हाईकोर्ट में गए थे बच्चे कि भाई इसको मेरिट को कम कर दिया जाए और हम लोगों को चयन कर लिया जाए, तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दिया है और उनसे कहा कि जो पद रिक्त हैं, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरा किया जाए। ठीक, दो माह का समय आयोग को दिया है कि आप जल्दी जल्दी पूरा, तो इसको दबाव देने के लिए ताकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शीघ्र हो शुरू हो, इसलिए नए डीएलएड छात्रों ने कल नए आयोग का घेराव किया है। उसी बारे में संबंधित न्यूज दी है कि प्रसिद्ध विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 माह में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा, यानी आयोग ने जितने भी घेराव करने वाले अभ्यर्थी गए थे उनको सबसे कहा कि हम जल्दी जल्दी इस पर निर्णय लेंगे। मामला प्रसिद्ध विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती का है, इसमें 27,713 पद खाली रह गए थे। अभ्यर्थी चाहते थे कि कटाव गिराकर रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27,713 पदों पर नई भर्ती निकाली जाए। कटाव गिराकर रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट को भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई। अभ्यर्थी चाहते हैं कि रिक्त पद पर नई शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू की जाए। इस मामले में डीएलएड छात्रों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की आयोग के सचिव से वार्ता भी हुई। डीएलएड संघ के अध्यक्ष का कहना है कि छात्र वर्षों से ज्यादा समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है और पद रिक्त होने के बावजूद बेरोजगार भर्ती नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वार्ता के दौरान आयोग के सचिव मनोज कुमार ने जानकारी दी कि नई शिक्षक भर्ती के लिए विभागों और बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेज दिया गया है। आयोग भी प्रयासरत है कि नई शिक्षक भर्ती जल्दी शुरू की जाए, जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग के घेराव के दौरान विभिन्न अभ्यर्थी मौजूद रहे, तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये नई शिक्षक भर्ती आयोग निकालता है। संबंधित विभागों को उन्होंने कहा है कि हमने लेटर जारी कर दिए हैं, अब वो जल्द ये निर्णय आगे लिया जाएगा इस पर कि कब तक ये जल्दी भर्ती निकाली जाएगी। चलिए कोई अपडेट होगी साथियों तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।